हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं गुलाम मदनी और अभी हम निकलने लगे हैं राजन पुर से और हम जा रहे हैं ज़ाहिर पीर इंटरचेंज जो कि मुल्तान सुक्कर M5 मोटरवे पर जो है ज़ाहिर पीर इंटरचेंज है। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको एक तो ट्रैवलिंग दिखानी है राजन पुर से लेकर जो ज़ाहिर पीर इंटरचेंज तक की ट्रैवलिंग है। तो ये टोटल ट्रैवलिंग तकरीबन कोई जो है 30 से 40 मिनट की जो है ट्रैवलिंग है, मज़ीद हम आगे चल के देखेंगे। तो इसका मकसद ये है कि आपको ये दिखाना है कि अगर आप लोग मुल्तान जाना चाहते हैं, लाहौर या इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो शॉर्ट वे है वो ये है कि आप राजन पुर से सीधा जो है मोटरवे के ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर जो है वो पहुँचें और वहाँ से जो है आप सीधा चले जाएं मुल्तान या लाहौर इस्लामाबाद की तरफ। तो ये शॉर्ट वे है आपका जो है ना ये मुल्तान वगैरह जाने का। तो चलें हम ट्रैवल करते हैं राजन पुर टू ज़ाहिर पीर इंटरचेंज। तो साथ में आपको बताते जाएंगे कि आपने कौन कौन सा जो है वो रास्ता लेना है। तो ये हम जो है पहुंच चुके हैं बेनज़ीर शहीद रोड जहां से स्टार्ट होती है जो कि ज़ाहिर पीर की तरफ जाती है। तो देखिए यहां से आपने ये लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाना है और ये रोड जो है कोट मिठन को बाईपास करती हुई सीधा जो है वो इंडस रिवर की पुल से गुजरती हुई सीपैक के इंटरचेंज ज़ाहिर पीर तक जाती है। तो इस रोड को आपने फॉलो करना है और ये रोड सीधा आपको CPEC के ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर ले जाएगी।
तो सामने आपको मुल्तान सक्कर मोटरवे नज़र आ रही है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर। तो इस मोटरवे की दोनों साइडों पर जो है इंटरचेंज हैं। तो अगर आप मुल्तान जाना चाहते हैं तो ये मोटरवे से जो पहले आने वाला इंटरचेंज है, आप यहाँ से मोटरवे के ऊपर जो है एंटर होंगे, और अगर आप सक्कर वाली साइड पर जाना चाहते हैं तो आप इस मोटरवे की नीचे जो पुल बना हुआ है इसको आप क्रॉस करके जो है वो आगे आने वाले इंटरचेंज से आप सखर की तरफ जो है जाएंगे। तो चलें, यहाँ तक हमारा जो है वो सफ़र ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।